नगर निकाय चुनाव के मतदान पर गोरखपुर न्यूज से भाजपा के युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा ने खास बातचीत में कहा कि चुनाव में ऐतिहासिक जीत होगी भाजपा की। बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में विकास के आधार पर ये नगर निकाय चुनाव हो रहा है। इस समय वर्तमान में हम अशोकनगर बसारतपुर वार्ड के में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ आप यहाँ लोग एक सिस्टम के तहत लोग बता रहे हैं कि जिस तरीके से महाराज जी ने विकास किया है, क्योंकि ये गृह जनपद भी है महाराज जी का, उस तरीके से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये चुनाव आ रहा है। मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि 80 के 80 सीटों को भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की फिर से 80 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। और साथ में मंगलेश जी, जिस तरीके से आप लोगों को बताया कि गोरखपुर में पहली बार एक डॉक्टर, हम लोग एक शिक्षित आदमी गोरखपुर मेयर की कुर्सी पर बैठने जा रहा है, इसके लिए भी प्रचंड बहुमत से उनको भी वोट पड़ रहा है और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक मतों से वो भी जीते। जिला उपाध्यक्ष एबट जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से अपनी सीट निकाल ली है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ निरंतर अच्छा काम करती आ रही है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग 80 की 80 सीट लेके आए। जी हाँ, ये महामंत्री जी हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। हर्ष जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि पूरे 80 वार्डों में और निगम में इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहर रहा है और पूरे सीटों में हम लोगों ने जिस प्रकार से सभी कार्यकर्ता हर वार्डों में मेहनत किए हैं, जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन हुआ है, उस प्रकार से इस बारी 80 के 80 सीट हम सभी लोग जीत करके आदरणीय परम पूज्य महाराज जी के झोले में हम लोग भरने का कार्य करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव में हर व्यक्ति का बहुत जरूरी होता है मत देना, ये एक आपके जिम्मेदार नागरिक की निशानी है। प्रत्याशी के साथ साथ हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी का वहन करें और जरूर वोट दें। और मतगणना के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मतगणना तो अभी तक अच्छी लग रही है, मतलब ठीक ठाक भीड़ संख्या हर बूथों पर दिखी जा रही है कि पूरी मतलब जनता पूरी जोर शोर से वोट दे रही है। हर घर लोग अपने घर के बाहर आ रहे हैं और वोट देने के लिए अग्रसर हैं। अच्छी बात है, बूथ पर भी लंबी थोड़ी लाइन लगी हुई है, तो इससे यह एहसास हो रहा है कि मतगणना मतलब अच्छी ठीक ठाक काउंटिंग होगी, ठीक ठाक वोटिंग होगी।